हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में अगेन हम सीख रहे हैं स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है बिजनेस फॉरकास्टिंग, धंधा किए पूर्वानुमान। इस चैप्टर के ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग की दो मेथड एक्सप्लेन की हुई है। प्लीज वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, उस दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादातर है। तो प्लीज पहले स्टार्टिंग के दो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम इस चैप्टर की थर्ड मेथड हम सीखने वाले हैं जिसके लिए मुझे कमेंट आए थे। जो सेकेंड मेथड बाकी रह गई, सॉरी थर्ड मेथड जो बाकी रह गई थी, सेकेंड डिग्री पराबोला, द्विघाती परवलय, ये टॉपिक आज के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा ध्यान से, मैं जो सम्स ले रहा हूँ पहले मैं बता दूं, बुक में से ले रहा हूँ। आई होप कि सबकी बुक में ये बुक में सेम ही होगा। तो देख लीजिए, सम्स ले रहा हूँ वो 2013 का सम्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, चेक कीजिएगा, सी है। ठीक है, जो सेकंड डिग्री पराबल लिखा गया है गुजराती में, द्विघाती परवलय लिखा गया होगा। सम्स दिया गया ईयर और प्रोडक्शन उत्पादन दिया गया, 95, 96, 97, 98 और 99 के ईयर दिए गए। अमाउंट ये है 10, 4, 6, 12 और 8 और अमाउंट है ये अपनी 1000 के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज स्टूडियो को एंड तक देखिएगा और ये सम्स के अंदर आपको पूरी मेथड समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें से फर्स्ट मेथड जो मैं चलाई थी स्ट्रेट लाइन मेथड, सूर्य समीकरण निरीत, वो इसमें थोड़ा बहुत यूज होता है, तो प्लीज वो तो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग इसके अंदर जो हमारा इक्वेशन होता है सबसे मेन जो हमको फाइंड आउट करना है वो है वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी के आगे सी भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक्स आगे हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको तीन इक्वेशन यहाँ पर यूज करने रहते हैं। तीनों को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, सॉल्व भी कराने वाला हूँ। ये कैसे बना है इसका फॉर्मूला भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आते जाते हैं टेबल की ओर कि हमको टेबल में कौन कौन से रेडी करने हैं। ऑलरेडी सम्स में हमको ईयर वर्ष दिए गए थे और साथ में वाई की वैल्यू दी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको एक्स फाइंड आउट करना है। मैं बोलना चाहूंगा ये भी हमारा एक्स ही होता है लेकिन ये ओल्ड वाला होता है और ये हमारा एक्स न्यू वाला होता है। ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये ओल्ड वाले एक्स में से क्या करना है, माइनस करना रहता है जो ईयर इसमें मिडिल में आ रहा है। क्या आ रहा है, मिडिल में। कई बार मिडिल में एग्जैक्ट वन ईयर नहीं मिलता है, तो भी क्या करते हैं समझाता हूँ। यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो थर्ड नंबर का हमारा मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर दो वैल्यू मिडिल में आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो प्लीज इसलिए फर्स्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पे बताता हूँ, तो दो ईयर आया और तो दोनों को प्लस करके डिवाइड में 2 कर देना है। क्या करना, डिवाइड में 2। ठीक है, और अगर पॉइंट में आता है आपका, जैसे समझो 96.5, तो इसके आगे इक्वेशन इसके आगे आपको इंटू में 2 लगा देना है। मल्टीप्लाई किससे कर लेने का, 2 कर लेने का, जब पॉइंट में आए तो। लेकिन पॉइंट में ना तो आपको ऐसा करना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ तो हमको एग्जैक्ट मिल गया, ईयर 97 मिल गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए, अगर पॉइंट में आवे मिडिल में ना मिले तो क्या करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद आगे जैसे जैसे बनता जाएगा मैं समझाते जाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये 95 में से 97 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा। 96 में से करेंगे माइनस का 1, 97 में से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 98 में से 97 करेंगे तो प्लस का 1 होगा, 99 में से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको बनाना है वो एक्स वाई, मतलब ये एक्स और वाई का क्या करना रहेगा, हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 20, माइनस का 4, 0, 12 और 16। ठीक है, नेक्स्ट जो बनाना है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर बनाना है। अब एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी जो एक्स फाइंड आउट हुआ न्यू वाला एक्स है उसका स्क्वायर करना है। तो सब वैल्यू प्लस में हो जाएगी, माइनस की भी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1, 0, 1 एंड 4। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहले यहाँ पर वो x की क्यूब भी है और x की 4 भी है, तो पहले ये फाइंड आउट कर लेता हूँ। टेबल आगे पीछे होगा अब तो चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, पर इतना पहले कर लीजिएगा, x की क्यूब कर लेते हैं। तो x की क्यूब के लिए क्या होता है, चाहो तो दो तरीके, आपका x का स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करो तो भी आ जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्ट x का क्यूब कर लीजिए, मतलब -2 × -2 × -2 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपको माइनस में मिलेगा, याद रखिए क्यूब में आपको माइनस में भी मिलेगा। माइनस का आंसर क्या होता है, माइनस में आता है, माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस 1 का 3 टाइम करेंगे तो भी आपको माइनस 1 ही मिलेगा, 0 का तो 0 रहेगा, 1 का 3 टाइम करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का 3 टाइम करेंगे 2, 4, 8 हो जाएगा, बट प्लस का इसलिए प्लस में होगा, टोटल हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट हमको x का 4 भी फाइंड आउट करना है, तो अगेन आप चाहो तो x की 3 की वैल्यू का अगेन x से इंटू की कर लीजिए तो भी आपको सेम मिलेगा। 8 × 2 कितना होगा, 16 हो जाएगा, या तो फिर आप x की वैल्यू का ही
फोर टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, फोर टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको प्लस में मिलेगा, थ्री रहेगा तो माइनस में मिलेगा, फोर रहेगा तो प्लस में मिलेगा, 16 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आई हो आप जानते भी होंगे और समझ भी रहे होंगे। माइनस वन का जब फोर टाइम करेंगे तो प्लस में वन होगा, जीरो का जीरो, वन का फोर टाइम करेंगे वन, टू का फोर टाइम करेंगे तो 16। यहां तक आई होप समझ में आ गया। लास्ट टेबल जो बनाना है ऑलरेडी आप सम्स में देखिए, एक्स वाई तो हो चुका है, हमको फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाई हमको चाहिए, तो ये हम यहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं। आप चाहो तो उसको आगे भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर के बाद में कर सकते हो, बट एंड में करो तो भी चलेगा। अब यहाँ क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको वाई से करना है, मतलब ये जो आपका एक्स स्क्वायर का जो टेबल है एंड वाई का जो टेबल है इनका मल्टीप्लाई करना, भूल से किसी और का मत कर देना। इसलिए क्या करते हैं, इसके बाद में ये टेबल बना दिया जाता है जिससे कोई एरर ना हो जाए, तब हम लोग समझ के कर लेंगे। 10 इंटू में 4 कितना हो गया 40, 4 इंटू में 1 4, 0 इंटू 6 0, 12 इंटू में 1 12, 8 इंटू में 4 कितना हो गया 32। आई होप सब राइट हुआ होगा, एक बार चेक जरूर कीजिए। अब आते हैं टोटल की ओर, तो टोटल सभी का करना है, फर्स्ट को छोड़ के सभी का टोटल आपको करना ही है। तो y का टोटल मैं राइट डाउन करता हूँ, 40 होगा, यहाँ पर 0 हो रहा है एग्जैक्ट, यहाँ पर प्लस में बचेगा, आप प्लस में से माइनस कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, प्लस का आने वाला है 4, यहाँ पर 4 1 1 4 कितना हो गया प्लस का 10 हो गया, माइनस 8 माइनस 1 और प्लस 1 प्लस 8 0, और x इसका 0 ही होना चाहिए, जब आपका x का वैल्यू 0 है तो x का क्यूब करेंगे तो उसका 0 ही आएगा, 16 1 और 1 और 16 तो प्लस का है सब, तो 34 आ जाएगा, और यहाँ पे सब प्लस की वैल्यू प्लस कीजिए 88 हो जाएगा, और हमारा 50% वर्क हो चुका है पूरा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उससे मुझे आइडिया आता है कि भाई नए स्टूडेंट्स की तक हमारे वीडियो पहुँच रहे तो मुझे बनाने के लिए और यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये मेथड जिनके पास अभी भी नहीं है, समझ में नहीं आया, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, अब हमारा कैलकुलेशन का वर्क स्टार्ट करें, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट होने वाला है। तो ये तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसे ये याद करिए, जो कि मैं समझा देता हूँ, आपने ऑलरेडी फर्स्ट मेथड सीखा होगा स्ट्रेट लाइन, उसमें स्टार्टिंग का ये था ही, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, इतना था ही, आपको पता होगा, जिसने देखा उसको पता होगा। आगे आपको सी के लिए ऐड कर लेना, यार ए और बी तो हो गया, नेक्स्ट होने वाला सी। अब देखिए एक्स की वैल्यू देखिए, सिग्मा एक्स था तो इसके आगे इंक्रीज कर लीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे सब में ही हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, x का जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टार्टिंग में, तो क्या हो गया सिग्मा एक्स वाई हो गया, तो आपको स्टार्ट सिग्मा x से करना है, तो a सिग्मा x, उसके बाद आप इंक्रीज करते जाइए, b सिग्मा x स्क्वायर प्लस c सिग्मा x की क्यूब हो जाएगी। ऐसा थर्ड वाले के अंदर भी समझ लीजिए, अब सिग्मा x था ना, अब हो जाएगा सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा, एक x का और मल्टीप्लाई हो गया, तो स्टार्टिंग आपको इसी से करना है, सिग्मा x स्क्वायर से करना है, तो a के साथ सिग्मा x स्क्वायर, तो आगे b के साथ समझिए इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और प्लस सी के साथ अब क्यूब था तो यहाँ एक्स की फोर हो जाएगा। आई होप ये तीनों समीकरण इक्वेशन आपको समझ आ गए और याद भी हो गए। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर, देखिए सबका हमने टोटल करके रखा हुआ है, स्टार्ट करते वैल्यू रखना, देखिए सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितना है 40, यहाँ 40 राइट डाउन कर लिया, एन इज इक्वल टू नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 ईयर, इसलिए एन इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ए 70 राइट डाउन कर लीजिए, बी 70 राइट डाउन कर लीजिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू देख लीजिए, एक्स है ना, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 है, प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर का टेबल कितना है 10। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले के अंदर ऑलवेज हमको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, क्यों मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ओनली मिडल में 0 है और बाकी दो के पास वैल्यू है, तो क्या होता है देखो 40 बराबर 5a, ये मिडल 0 हो गया तो इसको फिनिश हो जाएगा, जबकि c के साथ मल्टीप्लाई किसका 10 है, तो 10c, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, इतना रखिए फर्स्ट वाले से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड में हमको वैल्यू मिलेगा, किसका वैल्यू मिलेगा, b का हमको ऑलवेज वैल्यू मिलेगा, देखिए समझाते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग सिग्मा एक्स वाई, तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का, तो आंसर दिख लीजिए कितना आ रहा है 4 इज इक्वल ए, अभी ए का एस इट इज राइट डाउन करना ए बी सी, याद रखिएगा सिग्मा एक्स कितना है अगेन 0 ही हमारा, प्लस बी एस इट इज राइट डाउन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कितना है हमारा यहाँ पर 10 है, प्लस सी एक्स का क्यूब कितना है
देख लीजिए जीरो, देख लीजिए ऑटोमेटिक आपको ये जीरो जीरो देख रहे हो आप, दोनों के दोनों फिनिश हो गए, ओनली बी बचेगा। तो बी का क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई टेन बी आ रहा है। अब टेन बी आप समझ के क्या करना चाहिए, फोर के अंदर टेन का क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, फोर डिवाइड बाय टेन, तो बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा। मतलब ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज सेकंड इक्वेशन में आपको बी का आंसर मिलेगा ही, क्योंकि दो वैल्यू जीरो हो जाती है और बी के साथ जो भी होगा वैल्यू उसका मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाना है, ऑटोमेटिक बी का आंसर आ जाएगा और ये तो ऑलवेज राइट हो जाएगा अगर टेबल राइट है तो। आगे बढ़ते हैं थर्ड की ओर, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन वन मिला था ना, अब इक्वेशन आपको टू मिलने वाला है। समझिएगा कोई बड़ी बात नहीं, प्रोसेस लंबी लेकिन है सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा आप 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, ए इज एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, अगेन 10 है यहाँ पर, बी की वैल्यू मत लिखिए, बी ऐसा कैसा राइट डाउन कीजिए। एक्स का क्यूब का आंसर कितना है, जीरो है, प्लस सी एक्स का फोर का आंसर कितना है, 34 है, तो यहाँ पर ओनली वन ही जीरो है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड वाला। 88 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 ए बनेगा प्लस, ये तो जीरो हो गया, 34 सी बनेगा, तो यहाँ पर हमको सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन को कंपेरिजन करके हमको ए और सी का आंसर निकालना, जो पहले भी सीख चुके हैं हम पिछले 10 स्टैंडर्ड में, 11th में जब भी, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट में बताना चाहूंगी क्या करना चाहिए, हमको पता है ए और सी फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन में ऐसा कंपेयर करना है कि ए से कट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये देखते हैं यहाँ पर अगर 10 ए है तो इस वाले के अंदर भी 10 ए बन जाए, तो हमको किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है ऐसा हम सोचते हैं। तो यहाँ तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 ए है तो 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक को 2 से कर देंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप समझो 28 लिखा हो और यहाँ पे 5 लिखा, तो अब इस 5 को 28 कैसे करेंगे, तब समझ में नहीं आता है। तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, वो हर एक जगह अप्लाई होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी वही अप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, ये ए की जो वैल्यू है ना ए के साथ, उसका इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और जो सेकंड वाले के साथ ए के साथ जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 10 है, उसका फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे होगा क्या, फर्स्ट वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए के साथ वाली और हमारी कट हो जाएगी हर सम के अंदर, कि जो ए की वैल्यू है फर्स्ट वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड वाले का जो ए के साथ जो वैल्यू है उसका फर्स्ट से कर लीजिए। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। हमने बोला 10 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना वाला, देखिएगा ध्यान से, ये सबसे मेन स्टेप है, फिर हमारा आंसर होने वाला कंप्लीट। 400 5 का 10 से मल्टीप्लाई किया 50A प्लस 10 का मल्टीप्लाई किया तो 100C। अब सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है, क्यों कर रहे हैं समझ गए होंगे, 5 से क्यों कर रहे हैं, तो 88 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 440 इज इक्वल 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऑटोमेटिक 50 हो गया कि नहीं हो गया, दोनों इक्वल हो गए, प्लस 34 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 170C हो जाएगा। अब देखिए हमको कट करने के लिए साइन तो अलग होना चाहिए, तो साइन दोनों के इक्वल है तो अलग कैसे होंगे, सबका साइन चेंज कीजिए, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ऑपोजिट साइन देना होता है, प्लस का 50 है माइनस का 50 है, यहाँ पे कट हो गया, इसके लिए हमने यहाँ किया था सब प्रोसेस। अब देखिए प्लस के 400 में से माइनस का 440 माइनस कीजिए, माइनस का 40 बचेगा, या सी के लिए 100 प्लस का है लेकिन अब 170 कैसा हो गया, माइनस का हो गया, ये चीज साइन भूल जाना है, नीचे नया वाला याद रखना है, तो माइनस का 70 मिलेगा। अब आपको पता है भाई यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कट हो गया, समझदार हो इतना तो जानते ही होंगे, तो ऑटोमेटिक 40 डिवाइड में 70 इज इक्वल टू पॉइंट में आएगा, पर वो दो डिजिट में राइट डाउन कर रहा है तो 57 हो जाएगा, ये हमारा हो गया सी का फाइनल आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारा सम्स हो गया, पूरा प्रोसेस लॉन्ग है बट सम्स होता है इजी है। अब इस आंसर को किसी भी वन में या टू में आप रख सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा वन में रख लीजिए, उससे हमको एक आंसर मिल जाएगा। अभी सम्स एंड नहीं हुआ, प्लीज एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्कीप मत कीजिएगा, एंड तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अब इक्वेशन नंबर वन के अंदर उसका आंसर रख देते हैं, जो इक्वेशन वन हमारा जो था, देख लीजिए एक बार, 40 इज इक्वल 5A प्लस 10C, 40 इज इक्वल टू, वापस लिख लेता हूँ एक बार, 5A प्लस 10C, 5A प्लस 10C, और हमारा C का जो आंसर मिला 0.57, इसमें हम रख लेंगे तो ऑटोमेटिक A का आंसर हमारा आने वाला है 5A प्लस 10, C की इज इक्वल टू 0.57, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो 5.7 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस का है तो आउस बराबर इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस करना रहेगा तो 34.3 मिलेगा, और जो 5 मल्टीप्लाई में है
इसको अब क्या करना रहेगा, डिवाइड में ले जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू का आंसर मिलेगा 6.86 मिलेगा, और हमारा ए बी सी तीनों का आंसर मिल चुका। देखिए ए का आंसर, ये हमारा सी का आंसर हमने यहाँ फाइंड आउट किया, और हमारा बी का आंसर तो पहले आ चुका था। अभी जो मेन इक्वेशन है ना, उसमें हमको वैल्यू रखना है। जो मेन इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, आप ध्यान से समझिएगा, हमारा सम्स एंड होने जा रहा है। तो ए का आंसर कितना आया 6.86 प्लस बी का आंसर कितना हमको फाइंड आउट हुआ है 0.4 फाइंड आउट हुआ है 0.4। अब ये याद रखिएगा, ये x में आपको क्या रैंडम करना, समझा रहा हूं मैं, x में आपको ये जो हमने लिया था ना यहाँ पर, जो भी मिडिल ईयर लिया था वो पूरा पूरा रैंडम करना है, x माइनस जो भी मिडिल ईयर होगा हमारा, चाहे पॉइंट में भी हो सकता है, उसके इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था x माइनस 97 ओके प्लस सी, सी का वैल्यू कितना 0.57, ये से रैंडम कर लेता हूं। अगेन ये जो x है, बता दो यही आपका x है, ये वाला x है, जस्ट इसके ऊपर क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, इसका जो भी आएगा उसके ऊपर क्या आएगा, इक्वल स्क्वायर आएगा। अब इसके आगे सम सॉल्व करना है नहीं करना है, तो सम्स में अगर कोई ईयर के लिए बोला हो गया हो आगे नेक्स्ट, तो उसके लिए हमको सॉल्व करना है, बट इस सम्स में नहीं बोला गया, बट मैं फिर भी एज एग्जाम्पल ग्रुप में रैंडम करके बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर हमारा क्या था, 1990 था, ठीक है, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 2000 ईयर के लिए हमको फॉरकास्टिंग करना है, पूर्वानुमान करना है, ठीक है, पूरा अनुमान करना है हमको, फॉरकास्टिंग करना है। तो कैसे होगा, अब x के इक्वल कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पर x के इक्वल, जहां पर x है वहां पर 2000 रख लेना है, तो ऑटोमेटिक हमारा एंड वाला सम्स हो जाएगा। इस सम्स में नहीं पूछा बट समझाने के लिए, देखिए 2000 माइनस 97 प्लस 0.57, यहाँ पर भी सेम आपको 2000 ही लिखना है, 97, इसके ऊपर स्क्वायर भूलना नहीं है। अब क्या होगा देखिएगा फाइनल, अब यहाँ पर हम लोग को माइनस करने पर 3 मिलने वाला है, और यहाँ पर भी माइनस करने पर 3 मिलेगा, बट उसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा। बस ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.2 मिल जाएगा, आप यहाँ स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 5.13 मिल जाएगा, समझिए 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया 9 का मल्टीप्लाई किया, और सारे प्लस की वैल्यू इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ, कोई माइनस की वैल्यू हो तो माइनस कीजिएगा, और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा ये जिस ईयर का हमने फोरकास्टिंग किया है। अगर ये 1000 में है तो यहाँ पर आप 1000 लिखिएगा, कुछ और है तो कुछ और लिखिए, और ये फाइनल आंसर हो चुका है। इसके आगे कोई समझौता नहीं, कैलकुलेशन नहीं होता इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पर ये सम हमारा हुआ पूरा कंप्लीट। आई होप पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर आपको यहाँ मिडिल में ईयर एग्जैक्ट ना मिले, पॉइंट में आ रहा हो तो कैसे सॉल्व करना है, बाय चांस अगर आपको नहीं आ रहा है तो, वरना आई थिंक आ ही जाएगा। प्लीज स्टार्टिंग में दो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड मैं जो भी न्यूज आती है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।